तो मैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल वर्ल्ड फैक्ट्स टेक पर इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो मैं चलता हूँ अपनी वीडियो की तरफ। तो आज मैं अपने इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि सबसे पहले चाय का टेस्ट किस शख्स ने लिया, और जो सबसे दुनिया के मोस्ट लॉन्गेस्ट प्लेस नेम, मतलब कहने का मतलब ये कि इस धरती पर सबसे बड़ा एड्रेस किस देश में है और कितने लेटर का है, और हमारे देश भारत की जो करेंसी है हम लोग उसको रुपए में डिनोट करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है उसको किस शख्स ने डिज़ाइन किया है? ऐसा कौन सा बर्ड है जो अपने नेस्ट को लाइट से सजाता है और चिड़िया हमेशा लाइन में क्यों चलती है? क्या आपने कभी सोचा है जिस प्लैनेट पे रह रहे हैं उसका नाम अर्थ है, अर्थ पे जो रेन होती है, जो वर्षा होती है जिसे आप कह सकते हैं, वो वाटर की होती है, वाटर H2O की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा जो अदर प्लैनेट पे जो रेन होती है अदर प्लैनेट पर, तो वो किस चीज़ की रेन होती है? तो चलिए हम अपने इस वीडियो में अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि इस धरती पर, इस अर्थ पर जो है न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है, वहाँ पर एक प्लेस है जिसे उसका जो नेम है मोस्ट लॉन्गेस्ट नेम ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ के जो रहने वाले पर्सन हैं, वहाँ पे जो लेवल पीपल है, वो लोग जिसे नाम नहीं लेते, वो लोग जो है हेसिटेट करते हैं, अरे कैसे नाम ले, तो उसका नाम जो है टाओ मटा हा कट समथिंग करके आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 12, जैसा कि हम जानते हैं कि बाया बर्ड जो है बाया रिवर बर्ड फिलीपींस में पाया जाता है, वो लाइट के इतना ज़्यादा शौकीन रहता है कि वो क्या करता है, वो जुगनू पकड़ कर लाकर अपने नेस्ट में रख लेता है और उसका नेस्ट जो लाइटेड हो जाता है। अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि जैनी जेम्स मैरी जॉन, ये क्या है, ये मोस्ट पॉपुलर नेम ऑफ द वर्ल्ड है। क्या आपको पता है कि सर्वे के अकॉर्डिंग ये नाम जो है पीछे हट गया है, किसकी वैसे एक नाम आ गया जो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर नेम ऑफ द वर्ल्ड, मोहम्मद। 150 मिलियन पीपल लोग अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखते हैं, और बहुत सारे मैन के नाम से भी मोहम्मद पढ़ा गया है। ये जो नेट पर जो है मोस्ट पॉपुलर नेम ऑफ द वर्ल्ड मोहम्मद नाम आया है। फैक्ट नंबर 11, जैसे कि हम जानते हैं कि हम जैसे कि डर जाते हैं, डरने पे क्या होता है, बहुत से लोग डरते हैं और तुरंत मर जाते हैं, ऐसा होता क्यों है? देखिए, कहने का मतलब है कि ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई इंसान डरता है और उसके डरने से मौत हो जाती है, तो उससे पहले क्या होता है, उसकी बॉडी में एक हार्मोन्स रिलीज होता है, उस हार्मोन्स का नाम एड्रेनालिन है। एड्रेनालिन हार्मोन्स रिलीज होता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में फैल जाता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है। फैलने से क्या होता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और वह एक पॉइजन का और एक पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम कभी सुनते हैं वो डर से मर गया, या मतलब कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मतलब उसके अंदर हार्मोन्स होता है, कौन सा हार्मोन, एड्रेनालिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है और वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि इस वक्त जो $1 की कीमत अप्रॉक्सीमेट 75 रुपीज है, क्या आपको पता है बिफोर 1947, आज़ादी के पहले, मैं बात कर रहा हूँ 1917 की, उस वक्त का हमारी जो करेंसी थी, उस वक्त जो हमारी करेंसी थी वो बहुत ही हाई थी। कहने का मतलब है कि इस वक्त के दौर में $1 की कीमत है 75 रुपीज, लेकिन इन 1917 में ₹1 की कीमत $13 थी, $13, जिसका इंडियन रुपीज़ 975 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट हो सकता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने KTM बाइक का नाम कभी सुना होगा? सुना क्या, हर को उसका फ़ैन है, इवन मैं भी उसका फ़ैन हूँ। KTM, असल बात ये बात है कि KTM जो है, जो बाइक है, वो एक ऑस्ट्रियन कंपनी है, वो जो है स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चर करती है। तो KTM का फुल फॉर्म क्या है, क्राफ्ट फॉरेंज समथिंग करके, आप हमारे वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, कहने का मतलब ये कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, वो जब स्पेस पर जाते हैं, जाहिर सी बात स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता है, तो वहाँ पर बेल्चिंग नहीं होती है, मतलब डकार खाने में डकार लेते हैं ना, डकार वहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पाया जाता है। जब वहाँ पर किसी को डकार आती है, तो हमारे पेट के अंदर गैस जो है निकलती नहीं, उसी में जो गैस होती है निकल कर अंदर ही रह जाती है, वो बाहर नहीं आ पाती है ड्यू टू लैकिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। फैक्ट नंबर 6, चींटियों का जो वेट है हमारे इस अर्थ पर इंसानों की वेट से ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 5,
जो रेन होता है हमारे इस अर्थ पर जो वाटर की होती है H2O की, लेकिन कभी क्या आपने कभी सोचा है जो अदर प्लेनेट पे जो है किस चीज़ की बारिश होती है, रेन किस चीज़ की होती है? तो हम बात करें SD 189 333 B की बात करें, वहाँ पे जो बारिश होती है ग्लास की बारिश होती है। हम बात करें नेपच्यून की, जो नेपच्यून प्लेनेट है वहाँ पे जो बारिश होती है वो डायमंड इट्स वेरी मतलब समझ सकते हैं। तो हम बात करें वेनस जो प्लैनेट है उस पर जो बारिश होती है, जो रेन होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड की होती है, H2SO4 की होती है। और जो टाइटन होता है, टाइटन वहाँ पे जो बारिश होती है मीथेन की बारिश होती है। तो इस तरीके से अदर प्लैनेट पे अदर मटेरियल और सबस्टेंस और केमिकल की जो है बारिश होती है। फैक्ट नंबर 4, चींटियाँ जो होती हैं हमेशा एक लाइन में जाती हैं। क्यों जाती हैं, क्यों? मसला ये होता है ना, चींटियों के अंदर जो स्निफिंग पावर होती है वह बहुत ही स्ट्रांग होती है। मतलब उनके अंदर सूंघने की जो क्षमता होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जब एक चींटी मतलब जब कभी खाने की तलाश में वो लोग जाती हैं तो जो आगे वाली चींटी होती है वो अपने अंदर से एक हार्मोन्स रिलीज़ करती है, उस हार्मोन्स को फेरोमोन्स कहते हैं। उस फेरोमोन्स को उससे पिछले वाली चींटी करते करते मतलब एक रो बना लेके सब सूंघते चली जाती है। इस वजह से वो लोग एक लाइन में जाते हैं और अपने खाने की तलाश में। फैक्ट नंबर 3, यानी कि मतलब हर लोगों में एडल्टनेस होती है, यंगनेस होती है। तो उसी तरीके से जो इंग्लिश के लेटर में JVNW वो मोस्ट यंगेस्ट लेटर है जिसके इंग्लिश लेटर के। फैक्ट नंबर 2, कहने का मतलब जो रुपए है ना, हमारी जो करेंसी है इंडियन करेंसी, हम लोग रुपए में डिनोट करते हैं, उसको किस शख्स ने डिज़ाइन किया था? उसको उदय कुमार धर्मलिंगम ने डिज़ाइन किया था। फैक्ट नंबर 1, सबसे पहले चाय का टेस्ट जो है, ये बात है 4700 ईयर्स एगो की। चाइना के एक राजा थे, कौन राजा? शैन नुंग। उनके दरबार में बहुत सारे दरबारी थे, उन्होंने क्या किया, गर्म पानी मंगाया, गर्म पानी को पीने के लिए मतलब उसको ठंडा करके गर्म पानी मंगाया। उस गर्म पानी में जो है एक पत्ती गिर गई, सूखी पत्ती गिरने के बाद उस पानी का कलर चेंज हो गया। राजा ने उसको थोड़ा टेस्ट किया, जब वो टेस्ट उनको उसका टेस्ट अच्छा लगा तभी से जो है चाय का सफर शुरू हो गया।